हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीएसएस ग्रेडियंट। सीएसएस ग्रेडियंट होता क्या है और किस तरह से हम क्रिएट करते हैं सीएसएस ग्रेडियंट को, आज मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस, सीएसएस ग्रेडियंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जिसके थ्रू हम टू कलर्स को कंबाइन कराते हैं हमारे वेब पेज में या एप्लीकेशन में। आपने देखा होगा ट्विटर का होम पेज या साइनअप पेज, वहाँ पे कई बार दो कलर एक साथ दिखाई देते हैं जो कि मैच हो रहे होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्रिएट किया होता है। और इंस्टाग्राम की अगर आप एप्लीकेशन चलाते हैं, ऐप चलाते हैं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि टू कलर्स से कुछ क्रिएट किया होता है, कंबाइन किए होते हैं उन्होंने कलर वहाँ पे टू। तो ये किसके थ्रू होता है? ये सब कुछ थ्रू होता है सीएसएस ग्रेडियंट के थ्रू। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये है ट्विटर का साइनअप पेज, यहाँ पे हम साइनअप करते हैं। लेकिन आपको जो हेडर दिख रहा है, एक साइड यहाँ पे ब्लू है और एक साइड ग्रीन, और बीच में जो है कलर मैच हो रहे हैं। तो ये किसके थ्रू मैच हो रहे हैं? ये थ्रू हो रहे हैं सीएसएस ग्रेडियंट के थ्रू। तो सीएसएस ग्रेडियंट के थ्रू हम इस तरह के दो कलर्स का यूज़ करते हैं या मोर देन टू कलर्स का यूज़ करते हैं और उन कलर्स को कंबाइन कराते हैं और कुछ रिजल्ट हमारे पास इस तरह का आता है। तो गाइस, आज हम क्रिएट करने वाले हैं सीएसएस ग्रेडियंट इस वीडियो में, और मैं आपको सीएसएस ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा और उनके टाइप्स बताऊंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे हमारा कोड एडिटर, और यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ एचटीएमएल, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं एचटीएमएल और सीएसएस के ट्यूटोरियल जाके, वहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हम काम करते हैं एचटीएमएल और सीएसएस में। सो गाइस, अब हम क्रिएट करेंगे ग्रेडियंट। इसे क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा सीएसएस का कोड, और सीएसएस का कोड लगता है स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टाइल और स्टाइल को क्लोज। अब ग्रेडियंट का क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद ग्रेड लिख दूंगा मैं, उसका नाम लिख दिया। आप चाहे तो वन लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, थ्री, जो चाहे। मैंने यहाँ पे ग्रेड वन दे दिया इसका नाम, और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे अब हम लगाएंगे। इसके अंदर हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अगर हमारा वेब ब्राउज़र, हमारे पास डिफरेंट वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोज़िला है वगैरह वगैरह, अगर इनमें से कोई कभी सपोर्ट नहीं करता है ग्रेडियंट को, तो उसे जो है ये डिफ़ॉल्ट कलर शो हो जाएगा जो कि हम यहाँ पे देंगे। चाहे मैं रेड दे दूँ या रॉयल ब्लू, तो मैं यहाँ पे रॉयल ब्लू देता हूँ, रॉयल ब्लू। अगर किसी का वेब ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है ग्रेडियंट को, तो उसे शो होगा रॉयल ब्लू कलर सिंपली, ठीक है। अब मेन कोड हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर से हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और अब यहाँ पे डिफरेंट वेब ब्राउजर्स के लिए डिफरेंट कोड है। जैसे मोज़िला फायरफॉक्स के लिए है -moz-, अब यहाँ पे देने वाले हैं हम टाइप, कौन से टाइप का ग्रेडियंट आप यूज़ कर रहे हैं, लीनियर या रेडिकल। तो यहाँ पे लीनियर का यूज़ हम करेंगे, लीनियर, और रेडियल भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। लीनियर की जगह सिर्फ रेडियल आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा। फिर से हाइफन, और यहाँ पे नेम देंगे हम ग्रेडियंट, ठीक है। और अब ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर हम कलर की वैल्यू देने वाले हैं, जो कलर का आप मिक्सअप करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सअप कराऊंगा ग्रीन और कॉमा और रॉयल ब्लू का, रॉयल ब्लू, इन दो कलर्स का मिक्सअप यहाँ पे कराऊंगा, और लास्ट में सेमी कॉलम। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब अगला ब्राउज़र हमारे पास जैसे कि ओपेरा मिनी है, तो मोज की जगह ओपेरा के लिए आएगा यहाँ पे ओ, ठीक है। और अगर आप सफारी यूज़ करते हैं, तो सफारी के लिए यहाँ पे आएगा मोज की जगह वेब किट। और अब स्टैंडर्ड कोड जो कि आपको लगाना ही लगाना है, वो है इस तरह से, मोज हटा देना है आपको यहाँ से, और सिर्फ लीनियर आएगा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, और अब हम बॉडी में लगाएंगे वो कोड जिसकी वजह से शो होगा हमको ये सारा का सारा कोड। तो यहाँ पे लगने वाला है अब इस तरह से div id इक्वल टू quotations, और इसे क्लोज। अब id के अंदर क्या हम पुट करेंगे, जो कि हमने नाम दिया है, यहाँ पे नाम दिया है ग्रेड वन, तो इसे कॉपी करो और यहाँ पे टाइप कर दो। अब सेव कर दीजिए, इसे सेव कर दिया, और अब हम चाहें तो इसके अंदर टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, यूं ही लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव कर लिया, और यहाँ पे मेरी फाइल, और ओपन।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कलर का मिक्सअप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से कुछ शो हो रहे हैं कलर, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे हाइट दे देते हैं स्क्रिप्ट की। हाइट यहाँ पे मैंने दे दी इसकी, जैसे कि 100 पिक्सल 100 px, और इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं। कुछ इस तरह से कलर शो हो रहा है अभी। ये टॉप टू बॉटम हमें शो हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये मुझे राइट टू लेफ्ट शो हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू राइट, यानी कि राइट से अब स्टार्ट होगा, और इसे कॉपी कर लूंगा टू राइट को, और इसे हर जगह पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सेव कर लिया, यहाँ पे जाऊंगा और रिफ्रेश। अब कुछ डिट्टो सेम कलर आ रहा है हमारा, जैसे कि यहाँ पे ट्विटर पे आ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ग्रीन है, ग्रीन की जगह हम यूज कर लेते हैं लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन का यूज करते हैं यहाँ पे अब हम। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। गाइस, कुछ इस तरह का कलर अब हमारे पास क्रिएट हो चुका है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बेसिकली बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा ट्विटर का है, लेकिन ट्विटर में जो है ग्रीन इस साइड है और ब्लू इस साइड, और हमारा उल्टा है थोड़ा। गाइस, इस तरह से शो होता है यहाँ पे। और अगर आपको लोगो शो कराना है इसके बीच में, बहुत ईजी है शो कराना। आपको सिर्फ यहाँ पे जो हमने क्रिएट का ये कोड दिया हुआ है बॉडी में, हेलो वर्ल्ड की जगह इमेज टैग लगाना पड़ेगा लोगों के लिए। तो इमेज लिखूंगा मैं, और उसके बाद सोर्स, और उसके बाद वेट दे दूंगा मैं उस पिक्चर की, और हाइट दे दूंगा उसकी, जो भी मैं पिक्चर शो कराऊंगा। यहाँ पे मैंने दे दी इसकी 50, और वेट भी दे दी मैंने 50। अब हमें सिंपली जो है सोर्स लेना है हमारी इमेज का। यहाँ पे कंट्रोल हो, और उसके बाद इमेज को सिलेक्ट कीजिए। मैंने ट्विटर की इमेज डाउनलोड की हुई है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यूआरएल कॉपी कर लीजिए, लोकेशन इसकी, और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, सेव कीजिए, और अपनी फाइल में जाइए जहाँ पे क्रिएट की है। अब यहाँ पे जो है लोगो शो होगा हमें यहाँ पे जो है। अब मैं इसे शो करवाता हूँ, इमेज, और अब ये लोकल होस्ट के अंदर है। मुझे फिर से इमेज की लोकेशन लेनी पड़ेगी यहाँ से। मेजर प्रोजेक्ट इमेजेस, डेवलपर इमेजेस, ट्विटर लोगो, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर ली, और सेव। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे इमेज शो हो गई। अब मैं इसे सेंटर में लाता हूँ, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे सेंटर टैग का सिंपली यूज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सेंटर क्लोज होगा, और अब ये जो है सेंटर में आ जाएगा लोगो कुछ इस तरह से। गाइज, इस तरह से हम ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं हमारी फाइल में, वेब पेज की। गाइज, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। और मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल में हम किस तरह से लाते हैं, तो बहुत ईजी है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ सर्कल में कैसे लाना है उसको, ग्रेडियंट को, जो कि है रेडियल ग्रेडियंट। लीनियर की जगह सिर्फ हमें लिखना है रेडियल, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, फाइंड रिप्लेस, यहाँ पे कर देंगे हम, लीनियर को रिप्लेस करूंगा मैं यहाँ पे रेडियल के साथ, रेडियल के साथ रिप्लेस ऑल, और रेडियल आ चुका है हर जगह पे। अब इसे सेव करता हूँ। अब जो है सब कुछ टेक्सचर सर्कल में आएगा, तो आप देख सकते हैं बीच में जो है ग्रीन आ चुका है, साइड साइड में ब्लू, तो ये है रेडियल। रेडियल में सर्कल में शो होता है, और लीनियर में हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली शो होता है ये हम ये कलर्स। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर दो यार। बाय।